महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ सीट लगभग फाइनल कर ली। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 150 से 155, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 80 से 85 और अजीत पवार की एनसीपी को 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़वाएगी। तीनों पार्टियां जल्दी इसकी आधारिक घोषणा भी करेंगी। महायुति की इस सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा अजीत पवार की पार्टी को मिलने वाली सीट है। 40 विधायकों वाली अजीत पवार को 38 विधायकों वाली एकनाथ शिंदे की पार्टी से कम सीटें मिल रही। सवाल ये उठ रहा कि आखिर ऐसा क्यों है। महाराष्ट्र में महायुति ने वर्तमान विधायकों को आधार बनाते हुए सीट शेयरिंग का फैसला लिया। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक हैं और उसे लड़ने के लिए 155 सीटें मिली। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 152 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि ये फार्मूला एनसीपी अजीत पर लागू नहीं हुआ। अजीत के पास वर्तमान में 42 विधायक हैं और 40 एनसीपी और 2 कांग्रेस के हैं, लेकिन अजीत को सिर्फ और सिर्फ 55 से 60 सीटें देने की बीजेपी में रजामंदी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि 38 सीटों वाली शिवसेना को 80 से 85 सीटों का ऑफर किया गया है। अजीत पवार के साथ सीट शेयरिंग के हुए इस खेल में ये तीन बड़ी वजह सामने आई है। आइए एक एक करके आपको समझाते हैं कि आखिर तीन वजह क्या है। पहला, सीएम पद की दावेदारी। अजीत पवार खुल के सीएम पद की दावेदारी कर चुके हैं और बुधवार यानी कि 25 सितंबर को उन्हें एक कार्यक्रम ये कहा था कि सीएम बनने की इच्छा तो है, लेकिन गाड़ी डिप्टी सीएम के आगे से नहीं बढ़ रही। अजीत, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। अजीत को इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि यदि सीटें देने में अजीत की संख्या बढ़ जाती है तो चुनाव के बाद भी सीएम पद की खुलकर डिमांड कर सकते। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा। सीएम की डिमांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2019 में शिवसेना से गच्चा खा चुकी है। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद न देने पर भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए कांग्रेस और शरद पवार से गठबंधन कर लिया था। दूसरा, अजीत पवार की दलबदल छवि और अजीत पवार की क्रेडिबिलिटी पर भी एक बड़ा मुद्दा है। 2019 के चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अजीत के साथ मिलकर सरकार का गठन किया, लेकिन जब विश्वास मत हासिल करने की बात आई तो अजीत मुकर गए। बाद में अजीत उद्धव की सरकार में जाकर शामिल हो गए। इतना ही नहीं, सेटिंग के फार्मूले पर अजीत जिन सीटों की मांग कर रहे हैं उनमें से करीब एक दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी रही। 2019 में भारतीय जनता पार्टी यहां दूसरे नंबर पर थी, लेकिन इन सीटों में अमालनेर, तुमसर, अहेरी प्रमुख सीटें हैं। तीसरा प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि लोकसभा में अजीत पवार हालांकि मजबूत साबित नहीं हुए। हालिया लोकसभा चुनाव में अजीत पवार प्रभावित साबित ना होना एक बड़ा कारण है। लोकसभा चुनाव में अजीत की पार्टी 4 सीटों पर लड़ी, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। अजीत अपने गढ़ में भी एनडीए को जिता नहीं पाए। विधानसभा वाइज बात करें तो अजीत की पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त मिली। इसके मुकाबले एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 39 सीटों पर बढ़त हासिल की। लोकसभा चुनाव में शिंदे की पार्टी को 7 सीटों पर मिली और शिंदे अपना गढ़ भी बचाने में कामयाब रहे। ऐसे में विधानसभा चुनाव में शिंदे के मुकाबले अजीत को ज्यादा सीटें देना भारतीय जनता पार्टी के लिए रिस्क है, और यही वजह है कि ज्यादा सीटें होने के बावजूद एनसीपी को एनडीए में लड़ने के लिए सबसे कम सीटें ऑफर की गई। महायुति में मुख्यमंत्री पद पर चुनाव के बाद फैसला होगा। वर्तमान शिवसेना शिंदे के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। हालांकि सीएम पद पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी ज्यादा है। वजह, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पार्टी होना बताया जा रहा है। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। पार्टी उस वक्त देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, लेकिन वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।